लुधियानवी का दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया। अब साहिर लुधियानवी के बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं फिल्मों में, ठीक। अमृता प्रीतम ही पंजाब से थी, तो कहते हैं कि उनका दिल टूट गया, तो उन्होंने जो गीत लिखा है प्यासा में वो बड़ा गमगीन सा गीत है ना, ये फलानों की दुनिया, ये ढिकानों की दुनिया, लिटरली गाली बक रहे हैं। कर्ज में कहते हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मैंने फिर हीर राजा का ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया था, ठीक है, ये वैसा ही है बेटा। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि एक बार देख लूँ एम ए के कितने हैं, प्रीवियस के कितने हैं, फाइनल के कितने। तुम दोनों आगे आ जाओ, या तो ये तीनों बच्चे कहीं ऐसी जगह बैठे हैं लंबे थे, उन्होंने पीछे से घेर रखा था, छूट जाते हैं आज क्योंकि अंतिम है हमारा। तो मैं कुछ बातें इसमें फोटो खींच के लाया हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसका कितना अनुसरण करूँगा, कितना उसमें से देखूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है पढ़कर बोलना। मेरे बच्चे कई बार कहते हैं कि सर आप स्लाइड बनाकर बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा यार वो स्लाइड में तो भी लगता है जैसे नकल कर करके बोल रहा हूँ। फिर भी मैं आज आपको कुछ बातें, आप वाणिज्य के भी हैं, सोशियोलॉजी के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, एमए के हैं, पीएचडी के हैं, कुछ बातें आज मैं आपको वे सब बताऊंगा जो आपके लिए मेरी समझ के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो चाहे आप माने या नहीं माने, वे लगभग लगभग सभी नई हैं, लेकिन फिर भी जो मैं आज आपको बातें बताऊंगा वे और नई होंगी। हम कंपटीटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, है ना, कंपटीटिव पॉलिटिक्स में हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन दो प्रकार का करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है ना। उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपैरिजन में हम अलग अलग प्रकार से फिर बहुत सारे मॉड्यूल्स हमने बनाए हुए हैं उनको कंसीडर करते हैं, और हम कहते हैं कि कंपटीटिव पॉलिटिक्स के भी जो आदरणीय पिताजी थे वे सीमान अरस्तु जी थे, और हम कहते हैं कि उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। मैं मजाक में कई बार कहता हूं कि 158 जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है RWA, बेसिकली उन्होंने 158 RWA का अध्ययन किया। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? बच्चों सहमत हो मेरी बात से, असहमत हो? अरे साहब क्या सहमति जताएं और क्या असहमति जताएं, नहीं अब तो परसों से हम हैं, अब अंतिम दिन आपसे क्या, आप जो कह रहे हो वो सही है नहीं। मैं आपको समझा देता हूं, भारत का नक्शा रखिए। किसी दिन रमेश भाई से, राजीव भाई से क्लास में यहाँ पर नक्शा टांगिएगा, और आप आज से 2300 साल पहले के भारत को देखिएगा, कल्चरल भारत, कल्चरल जो विश्व है वो नक्शा लाइएगा, ठीक। तो भारत की सीमाएं हिंदू कुश तक जाती हैं, ठीक है, और उस जमाने का जहां पर अरस्तु रह रहे हैं उस जमाने का यूनान देखिएगा, ठीक, फिर देखिएगा उस जमाने का भारत और उस जमाने का यूनान, और फिर देखिएगा आज का भारत, आज का यूनान, और फिर जरा कंपैरिजन कीजिएगा कि उन्होंने 158 देश तो उस समय दुनिया में थे ही नहीं, वो 158 देश आए कहां से, और आज की तारीख में भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबरशिप्स हैं वो लगभग लगभग 200 के आसपास हैं, समझ सब इतनी है ना, हाँ 200 के आसपास, राउंड फिगर में अपन बात करते हैं थोड़ा अच्छा फील होता है। उनमें से आधों के भी संविधान नहीं है, आधे देशों के संविधान है, बाकी उनकी अपनी अपनी पंचायतों पर देशों की व्यवस्था है चलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसको हम संविधान बात कहते हैं उसका अभ्युदय कब हुआ?
13वीं 14वीं शताब्दी में, ठीक है, विश्व का बड़ा देश जिससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उसके पास संविधान आज भी है नहीं, परंपरागत व्यवस्था पर चलता है, और हम कह रहे हैं कि उसने 158 देशों का अध्ययन किया, तो 158 देश आए कहां से? अभी विचारने की बात है ना, आप तो, मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर परसों से बात कर रहा हूं, बहुत सारे प्रश्न आप खुलकर मेरे सामने रख पा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आप गली अंदर घुमड़ रहे हैं बादलों की भांति, लेकिन हमें ये प्रश्न भी पूछने चाहिए कि महाराज 158 देश थे कौन से? हाँ सर, वो देश नहीं सर, सिटी स्टेट्स थे ग्रीक के। हम यही, लेकिन हम पढ़ते यही है कि 158 देशों का अध्ययन किया है ना, तुम दो मिनट का और हौसला रखते तो मैं सिटी स्टेट पर ही आ रहा। अब वो सिटी स्टेट क्या है, सिटी स्टेट क्या है, उस सिटी स्टेट में किसी की जनसंख्या 5000 है, किसी की जनसंख्या 10000 है, इससे ज्यादा जनसंख्या का देश कोई नहीं है। तो यदि वो सिटी स्टेट भी है, नगर राज्य भी है, और यदि वो देश भी है, कंट्री भी है, तो भी 158 गिनती तो बता दो। हमसे पूछा जाता है कि एक्स वाई आप प्रमाण बताइए, आप वो 158 सिटी स्टेट ही बता दीजिए हमें। हम दिल्ली में चांदनी चौक था, बाबरी कला था, दरियागंज था, कमला नेहरू मार्केट था, नेहरू प्लेस था, कनाट प्लेस था, कनाट सर्कस था, ऐसे नाम ही गिनने शुरू कर दीजिए। अब क्योंकि एक चीज स्थापित हो गई है और हमें उसे रिवर्स नहीं करना है, हमें उसे रिवर्स नहीं करना है, इसलिए हम धोए चले आए। कंपेटिटिव पॉलिटिक्स का पहला लेक्चर ही यहीं से शुरू होता है। जिस जमाने में वहां पर सिटी स्टेट है, उस जमाने में भारत के स्वरूप का निर्धारण कीजिए। भारत पूरा देश है, इस देश के अंदर भी लगभग 700-800 देसी रियासतें हैं, जिनको आप अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट्स कहते हो। संविधान सभा में भी लगभग 100 के आसपास वो हैं, और संविधान सभा में सबसे छोटी जो प्रिंसली स्टेट्स है, उस स्टेट से सबसे कम उम्र का व्यक्ति, एक ही मात्र व्यक्ति था उस पूरी स्टेट में जिसने हाईस्कूल किया था, राजा ने कहा तू ही चला जा, 16-17 साल का लड़का था। मैं मिला हूं उस आदमी से, मैंने कहा आपको कैसा लगता था? जो पराचित, जिन लोगों के नाम मैं सुनता था पढ़ता था, उनके बीच में घूम रहा हूं मैं, उनके साथ खाना खा रहा हूं मैं। मैंने कहा आपने कुछ बोला? अरे भाई हाईस्कूल का आदमी था, जस्ट पास आउट हुआ था, राजा ने मिला के कह दिया, संविधान सभा का देख लीजिएगा के जैन नाम है उनका। अब तो 2012 में मैं उनसे मिला था इंदौर में, तो उनका मुझे बड़ा अच्छा लगता था, नेहरू जी से मिल रहा हूँ, पटेल जी से मिल रहा हूँ, अंबेडकर जी से मिल रहा हूँ, ठीक है, सब बड़े, राजेंद्र बाबू से मिल रहा हूँ, उनके साथ खड़े होकर खाना खा रहा हूँ, और मैं कुछ करता नहीं था, बैठा रहता था, खाना खाता था, सोता था, बैठा रहता था, आने जाने का मुझे सब कुछ टिकट विकट किराया विराया सब मिलता था बिल्कुल। वो सबसे छोटी स्टेट थी, वो सबसे छोटी स्टेट भी उस समय के यूनान से ज्यादा बड़ी थी। याद हो मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर मध्य प्रदेश का ये झाबुआ जिला, हमने पढ़ा क्या? और भारत के संबंधित विषयों पर हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न करना चाहिए। भारत में पूरी परंपरा प्रश्नों की रही है, यदि भारत में कोई प्रश्न पूछने से रोकता है तो उसका बड़ा अपराधी
कोई नहीं, प्रश्न पूछने का माहौल है, प्रश्न पूछने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होती हैं, प्रश्न पूछने के पर इनाम दिए जाते हैं। ये पूरा प्रश्न उपनिषद है हमारे यहाँ, पूरा महाभारत डायलॉग है, प्रश्न है, पूरी उपनिषद डायलॉग है, प्रश्न है, पूरी वाल्मीकि रामायण, पूरी रामायण प्रश्न है। एक प्रश्न कर रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है, भगवान भी प्रश्न कर रहे हैं, देवी भी प्रश्न कर रही हैं, और जो जानता है वो उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न छोटा भी कर रहा है, बड़ा भी कर रहा है, प्रश्न बड़ा भी कर रहा है, उत्तर छोटा भी दे रहा है। सुखदेव की आयु बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जन्मेजय राजा है, वो प्रश्न कर रहे हैं। मैं जहां से आता हूं उसके पास में एक जगह है, शुक्रताल, गंगा जी के किनारे, वहां पर श्रीमद् भागवत का पारायण किया है भगवान सुखदेव ने। छोटे से बच्चे हैं, जन्मेजय राजा है। पक्षीराज कौन है भारतीय परंपरा में? गरुड़, ठीक। और गरुड़ किससे प्रश्न कर रहे हैं? कागभुसुंड से। कागभुसुंड कौन है? पक्षियों में सबसे निकृष्ट। कौन है? पक्षियों में सबसे निकृष्ट। और गरुड़ कौन है? पक्षीराज। जो पक्षीराज है वो सामने बैठा है, जो निकृष्ट पक्षी है वो यहां बैठा है। गरुड़ से प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, और कागभुसुंड समझा रहा है। और बाद में गरुड़ कागभुसुंड से विदा लेते हैं कि भाई जीवन धन्य हो गया कागभुसुंड, मेरे जितने भी अंधकार रूपी अज्ञान था वो आपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उड़ा दिया। भारतीय परंपरा में प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्न करने चाहिए, प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। और प्रश्नों के उत्तर, मैं बार बार आपसे कहता हूं, भारतीय परंपरा में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, और वो प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी, जिसको आप शिद्दत कहते हो, मैं कहता हूं समर्पण। प्रश्नों के उत्तर आपको अर्न करने होते हैं, अर्जित करने होते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में शिष्य जो है गुरु के पीछे पीछे घूमता है, और वो गुरु को ऑब्जर्व कर रहा है, शाम को फिर बैठता है गुरु के साथ, तब गुरु को लगता है कि ये वाकई में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि दिन भर में इतने प्रश्नों को एकत्रित किया है, जिज्ञासाओं को संकलित किया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि वो 158 देश कौन से थे, हमें बता दीजिए, वो सिटी स्टेट ही बता दीजिए, उनकी जनसंख्या कितनी थी, वे कितना रेवेन्यू जनरेट करते थे, हमें वही बता दीजिए। A.K.S. आयंगर साहब की किताब है एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी इन एंशिएंट इंडिया, उसमें वो 7-8 प्रकार के राज्यों का उल्लेख करते हैं, मैं भी उनका उल्लेख करूंगा आपके सामने। शुक्र नीति में उनका संदर्भ है, एत्रेय ब्राह्मण में भी उनका संदर्भ है। वे 13-14 प्रकार के राज्य हैं, और वे राज्य ऐसे हैं जो बड़े हैं, वे उनमें से कुछ न्यूट्रल स्टेट हैं, उनमें से कुछ बफर स्टेट हैं, उनमें से कुछ संघ हैं, उनमें से कुछ परिसंघ हैं, उनमें से कुछ चक्रवर्ती हैं। उनके रेवेन्यू का, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है इसका वर्गीकरण है।
तुलना होगी तो फिर यहां होगी ना, हॉरिजॉन्टल भी करोगे वर्टिकल भी करोगे तो यहां करोगे ना, कि राज्य तंत्र कैसा है, प्रशासन तंत्र कैसा है, धन कितना अर्जित करते हैं, सेनाओं का नियमन कैसे होता है, विधि का निर्माण कैसे होता है, रिपील कैसे होती है विधि, सब करोगे ना। कंपैरिजन कर पाओगे, पूछ पाओगे। तो आज मैं ऐसी छोटी छोटी बातें, फिर इकोनॉमिक्स क्या है हमारे यहां पर, उस पर बात करूंगा। पहले मैं वो बोल देता हूं जो एक्स टेम्पो बोलना है मुझे। मैंने पहले दिन से ही कहा है, मैं हमेशा कहता हूं, भारत में उन्होंने एक सूत्र दे दिया है, धर्म, बस जो भी कुछ करना है वो धर्म के अंतर्गत करना है, धर्म से बाहर कुछ नहीं करना। अपने हर व्यक्ति का धर्म है, हर प्राणी का धर्म है, हर जीव जगत सबका अपना अपना धर्म है, उनका निर्वहन करना है। इस धर्म के माध्यम से जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, वो गोल क्या है, वो अल्टीमेट गोल मुक्ति है। आप जिसको अंग्रेजी में सालवेशन बोलते हो, सालवेशन इति भी अलग है, मोक्ष अलग है, ठीक है, तो वो मुक्ति है। सालवेशन आपको किसी के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है, मोक्ष आपको किसी के माध्यम से प्राप्त नहीं होगा, वो आपके कर्म पर ही अवलंबित है। आप कर्म करोगे आपको मोक्ष मिलेगा, कर्म नहीं करोगे अच्छे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्म की बहुत सारी परिभाषा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम्। 18 पुराण में व्यास के दो ही वचन हैं, नंबर एक परोपकार पुण्याय, पुण्य क्या है, दूसरों के प्रति उपकार करना। अब ये कंट्राडिक्टरी है जॉन रॉल्स के, है ना, कह रहा है परोपकार पुण्याय, दूसरों के प्रति परोपकार करना, ये क्या है, पुण्य है। पापाय पर पीड़नम्, पाप क्या है, दूसरे को पीड़ा देना। अब दूसरे को पीड़ा देना, आप दिन भर ऐसी हरकत करते रहो, पैर पटक के चलो, बर्तन पटक दो, पढ़ाई मत करो, गुस्सा हो जाओ, खाना मत खाओ, गाड़ी को स्टार्ट करो, आगे करो, पीछे करो, मुंह बनाओ, भ्रकुटियां टेढ़ी मेढ़ी करो, ठीक, और शाम को फिर भूखे सो जाओ, ये क्या है, ये पुण्य है या पाप है? क्यों पाप क्यों? लेकिन वो तो व्यास तो कह रहा है कि पापाय पर पीड़नम्, स्वयं को पीड़ा देना पाप थोड़ी है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। ये सही कह रही है, ये भी पाप है। मैं जो बार बार आपसे कहता हूं, चीजों को पढ़ने का सलीका आना चाहिए। पापाय पर पीड़नम का अभिप्राय क्या है, दूसरों को कष्ट देना, थप्पड़ मार देना, गाली बक देना, कक्षा से बाहर निकाल देना, मुर्गा बना देना, दूसरों को खाना सप्लाई बंद कर देना, ये प्रत्यक्ष पापाय पर पीड़नम है, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी पीड़ा से, जिसको हम आत्मपीड़क बोलते हैं, गांधी जी के लिए शब्द प्रयुक्त होता है कि गांधी परपीड़क नहीं थे, गांधी आत्मपीड़क थे। इसने जो गांधी की कई लोग आलोचना करते हैं, वो ये कहते हैं कि उनसे बड़ा हिंसक कोई नहीं था। उनको लगता था कि घूंसा नहीं मारना, लाठी चार्ज नहीं करना, किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलना, यही अहिंसा है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता था, उनके खाने छोड़ने से लाखों लाख आदमियों के प्रति हिंसा होती थी, उनके भूखे रहने से, उनके मौन रख लेने से,
कई बार मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलना बंद कर देते हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कहा मम्मी मार लो, पीट लो, पापा कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, लेकिन चुप मत रहो, ये जो तुम्हारी चुप्पी है ये हमारी जान ले रही है। कितनों ने कहा आप में से? बस बाकी कुछ नहीं कहते, बाकी लोग अच्छा हुआ पंडित पवन शर्मा गुस्सा हो जाए, तुम्हारी कसम 3 घंटे चुप बैठा रहे। बस 2 दिन तो जेल जान लिया, 1 दिन और।